Any question? Hey guys, good morning everyone. We'll give 1 more minute and then we'll start, okay? Hello, Swapnil. Good morning. चलो चालू करते हैं, है ना? Let's get started. हेलो प्रियंका. आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? आई जस्ट शेयर्ड इट. ओके, नहीं दिख रहा है तो आप बोलिए, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. ओके, तो आई होप यू गाइज आर डूइंग सेफ, स्टेइंग सेफ, वेल, हेल्दी. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. है ना, आप यहाँ पर आ रहे हो हर वीक, इट्स अ बिग डील, क्योंकि आप यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, राइट, विच इज अ गुड डील. सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन दैट एंड थैंक यू अगेन. तो चलिए थॉट से शुरू करते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, है ना, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा जो जो बाकी लोग कर रहे हैं. ऑर्डिनरी से थोड़ा ही ज्यादा करना पड़ेगा टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट. सो हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम ले लिया, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा इम्प्रूव कर लिया, है ना, दैट्स हाउ वी बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो सो गुड थॉट टू स्टार्ट विथ, है ना, एज वी लर्न लास्ट वीक और समथिंग, राइट, द टीचर लर्न्स मोर देन स्टूडेंट. तो मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिलता है व्हेन आई लुक फॉर थॉट्स और दीज थॉट्स स्टिक विथ मी. ओके, ऑलराइट. सो टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वन इज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सेंड एन ईमेल टू ask.vocab@gmail.com. और देखिए ये 36th सेशन है हमारा, है ना, 36वां सेशन है और ये सारे सेशंस डिजिटल नालंदा पे अवेलेबल है. तो अगर आपको देखना है प्रीवियस सेशन तो आप पहले से जाइए प्रीवियस सेशन से. जो भी नए लोग यहाँ पर आए हैं
पहले सेशन से जाइए सो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. काफी जो बेस है ना इस जिस चीज का भी हम लोग सीख रहे हैं उसका बेस काफी कवर किया गया है वहां पर. ठीक है, तो डेफिनेटली गो बैक टू प्रीवियस लेसन्स एंड लर्न फ्रॉम इट. ओके, ऑलराइट. सो हैविंग सेड दैट, हम लोग दो सेशंस कवर करेंगे, है ना. एक तो पहला सेशन है जिसमें हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की कैसे तारीफ करनी है ना, झूठी तारीफ नहीं, मतलब जेन्युइन तारीफ, जो सही है वैसे. तो तारीफ किस कैसे वर्ड से होती है, एडजेक्टिव से होती है ना, जो विशेषण होते हैं उससे होती है. तो हम लोग अभी पहले 10 वर्ड्स देखेंगे. 10 वर्ड्स में क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं लोगों के. हमारे दोस्तों में कई प्रकार के दोस्त होते हैं, है ना. कई काफी स्टेबल होते हैं, कई खूब हमेशा खुश रहते हैं, कभी पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, है ना. ऐसे कई प्रकार के हमारे दोस्त होते हैं. तो when we go through these words, एक तो थोड़ा सा ये वर्ड्स है ना बोलने के लिए कठिन है कुछ वर्ड्स, तो इनको क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड देन जस्ट प्ले साउंड ऑफ द वर्ड्स. ओके, तो उससे आप ज्यादा बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे बोलना है. सेकेंड थिंग इज व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग, याद करिए कि आपके पास ऐसा कोई दोस्त है क्या जिसको आप ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, है ना. तो देखते हैं, पहला वर्ड इज कन्विवियल. ओके, खुशनुमा, आनंदमय, हमेशा खुश रहते हैं. दे आर फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, हैप्पी, एक्सट्रोवर्टेड देखा था हम लोगों ने. एक्स्ट्रा इज आउटसाइड, वर्टोज इज टू टर्न, है ना. एक्सट्रोवर्टेड मतलब जो बाहर की तरफ झुका होता है. अपोजिट वर्ड क्या है, इंट्रोवर्टेड. इंट्रो मतलब इनसाइड, जो ज्यादा बात करने में उत्सुक नहीं है. ग्रिगेरियस भी ग्रेग मतलब हर्ड, है ना. ग्रिगेरियस जो ग्रुप में रहना पसंद करता है. दे आर फ्रेंडली, हैप्पी, एक्सट्रोवर्टेड. ग्रिगेरियस द सॉर्ट ऑफ पीपल हु विल इनवाइट यू फॉर ड्रिंक. ये मतलब हमेशा आपको इनविटेशन देने के लिए उत्सुक रहते हैं. Who like to transact business around the business table, lunch table. तो उनको भी business भी करना है तो lunch पे बुलाएंगे, चलो lunch पे बात करते हैं, है ना. तो कैसे मतलब who put coffee to working as soon as company drops in. जैसे आपके घर में कोई आता है आप चाय या कॉफी लगा देते हैं, है ना, बिना पूछे कि आप पियोगे कि नहीं पियोगे. ऐसे टाइप के लोग होते हैं. They are sociable, genial, cordial, अफेबल. देखिए ये कितने सारे वर्ड्स अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना. एक तो पहले तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक्सट्रोवर्टेड, फिर हम लोग देखेंगे अच्छा उसका अपोजिट क्या है. ग्रिगेरियस भी देखा था, जिनायल, कॉर्डियल, अफेबल, ये सारे सिनोनिम्स है, है ना. कॉर्डियल मतलब मैत्रीपूर्ण, अफेबल मतलब मिलनसार, सुशील. दे लाइक पार्टीज एंड ऑल द ईटिंग्स एंड ड्रिंकिंग दैट गोज विद देम, है ना. Convivial, okay. So if you guys are on mute, just say it, convivial, है ना. चार पांच बार बोली है तो it will be better for you to remember, convivial. ठीक है, तो कोई याद आ रहा है आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो उसको याद करिए, है ना. Indefatigable, देखिए ये I was telling you, right. They are little difficult to say, though I practiced it, I still failed. Indefatigable, okay. इसको break करेंगे तो indefatigable, न थकने वाला. ये लोग थकते ही नहीं है, इनमें इतनी energy होती है कि ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, okay. Arnold Bennett once pointed out that we all have same amount of 24 hours a day. Strictly speaking, that is inconclusive an observation as Burnett ever made. है ना? तो
उसने बोला कि हमारे सबके पास 24 घंटे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी नई बात नहीं बोल रही. इट इज नॉट द टाइम दैट काउंट्स. हमारे पास कितना टाइम है दैट डजंट काउंट, बट द एनर्जी एंड द वंडरफुल क्वालिटीज वी ऑल हैव इज वेरी डिफरेंट अमाउंट्स. ओके, जो एनर्जी होती है हमारे पास, जो उत्साह होता है, वो वेरी करता है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. तो हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं ना, तो हमको एनर्जी आती है, हमको लगता है कि हम लोगों ने कुछ सीखा, तो वी फील गुड अबाउट इट एंड वी गेट एनर्जी, न्यू एनर्जी फ्रॉम दैट. ओके, एंड फ्रॉम द पर्सन हु वेक्स अप टायर्ड, नो मैटर हाउ मच स्लीप दे हैड, टू लकी वेल एडजस्टेड मॉर्टल्स who hardly ever need to sleep. तो कुछ लोग 10 घंटा नींद लेने के बाद भी उठने के बाद थोड़े से थकावट में रहते हैं, है ना? बट कुछ लोग कुछ छोटी भी नींद ले ली तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं. सो दीज आर इनडिफैटिगेबल लोग, है ना, न थकने वाला, कभी थकते नहीं है. एनर्जी कम्स फ्रॉम हेल्दी बॉडी, ऑफकोर्स इट कम्स फ्रॉम द साइकोलॉजिकल बैलेंस, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनसिक्योरिटीज, है ना. एनर्जी कैसे आती है, जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है और हमारे मन में क्लेश नहीं होता. क्लेश, हेल्दी बॉडी हो सकती है बट क्लेश या गुस्सा या फिर तिरस्कार किसी का, ये होना, ये भी आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, है ना. सम पीपल अपेरेंटली हैव बाउंडलेस, लिमिटलेस एनर्जी. They're on the go from morning to night and often far into night, है ना? Working hard, playing hard, never tiring, never popped, never burst and getting twice much done. ये लोग इतने productive होते हैं because इनके पास खूब energy होती है, रुकते ही नहीं है. सुबह से लेके रात तक ये काम ही करते रहेंगे, फिर भी थकेंगे नहीं, है ना? तो they are called as indefatigable. Okay? पहला क्या था? Convivial. Okay? देखिए कुछ याद है, बच्चे रहते हैं indefatigable, है ना. नींद, जब तक नींद नहीं आती उनको, क्योंकि उनके मन में कुछ क्लेश नहीं होता है. जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग क्लेश पालना शुरू कर देते हैं, जैसे क्लेश ना हो गया, कुत्ता हो गया, राइट. सो indefatigable. ओके, सो इनजेनियस, थर्ड वर्ड, सरल, शुद्ध, है ना. ये ऐसे लोग होते हैं, इनके मन में कोई ढोंग नहीं होता है, देखावा नहीं होता है, कोई क्लेश नहीं होता है. ये आसानी से किसी को भी माफ कर देते हैं, है ना. इनमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है. दे आर प्लीजिंगली फ्रैंक, बहुत फ्रैंक होते हैं. अटरली लैकिंग प्रिटेंस, उनमें कोई प्रिटेंस नहीं होता है, ढोंग नहीं होता है, कोई छल नहीं, कपट नहीं, है ना. They don't hide, मतलब वो अपने फीलिंग्स हाइड भी नहीं कर पाते. अगर गुस्सा आ जाता है उनको तो गुस्सा दिख जाता है उनके चेहरे पे, वो झूठ नहीं दिखा पाते. एंड सो ऑनेस्ट एंड ओवर बोर्ड दैट दे कैन स्केयर्सली कंसीव ट्रिकरी. मतलब वो इतना अच्छे लोग होते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ छल किया जाए. शिकैनरी करके एक वर्ड है, है ना, छल करना. देखिए इसको, ये सी से शुरू होता है, फिर भी इसका साउंड अलग है. शिकैनरी, ओके, SHA कैन, ओके, शिकैनरी, बट स्पेलिंग इसका CHICANERY. ओके, छल बोलते हैं उसको. और डिसिमुलेशन इन एनीवन, मतलब वो कभी किसी को छल या किसी को धोखा नहीं दे सकते. About them is the simple naturalness and unsophistication of a child. मतलब बच्चा कैसा निरागस होता है ना, उस टाइप के लोग होते हैं. मैं भी काफी इंजीनियस लोगों को जानता हूँ, है ना. कभी छल कपट उनके मन में आएगा ही नहीं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं. ओके, then fourth word is perspicacious. ओके, शार्प एज रेजर, मतलब जो रेजर होता है ना, ब्लेड होता है, उस टाइप के शार्प होते हैं, भेदक.
कुशाग्र बुद्धि वाले, ओके, दे हैव माइंड्स लाइक स्टील स्ट्रैप्स, ओके, देयर इनसाइट्स इनटू प्रॉब्लम दैट वुड कंफ्यूज एंड मिस्टिफाई पीपल ऑफ लेस कीननेस और डिसनमेंट इन इज जस्ट शॉर्ट ऑफ अमेजिंग. जो इतने शार्प होते हैं लोग, इनको कुछ भी प्रॉब्लम दिख जाता है, तुरंत दिख जाता है, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ये कुछ अलग ही टाइप के लोग होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस. ऑलराइट, मैग्नानिमस. मैग्नानिमस हम लोगों ने वर्ड देख रखा है, इसके पहले कई बार देख रखा है मैग्नानिमस. मैग्ना मतलब बड़ा, एनिमस मतलब माइंड. तो जो बड़ा माइंड रखता है, बड़ा दिल रखता है ना, काफी जनरस होते हैं ये लोग. दे किसी ने कुछ मांग लिया तो दे दिए. काफी फॉरगिविंग होते हैं कि आपने किसी को इंसल्ट कर दिया, इनको इंसल्ट कर दिया, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. नेवर डू दे हार्बर रिसेंटमेंट. वो किसी के बारे में क्लेश नहीं रखते हैं. तो अगर आप किसी के बारे में क्लेश नहीं रखते हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ना. तो आपके पास काफी एनर्जी होती है फिर कुछ और काम करने के लिए. तो अगर आपने किसी के बारे में क्लेश पाल रखा है तो उनको माफ कर दीजिए, है ना, क्या करेंगे, माफी रख के आप अपने पास दे दीजिए, माफी रख के पड़ी रहेगी माफी आपके पास. तो यू शुड फॉरगिव, दैट्स द पॉइंट, है ना. टू रेज दैट, व्हाट विल दैट डू, इट विल रेज योर एनर्जी, ओके. वो कभी स्टोर अप, कभी ये सब किसी के बारे में क्लेश नहीं रखते हैं. दे डोंट वेस्ट एनर्जी और थॉट ऑन मीन्स ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन, किसी का बदला लेने के लिए वो कभी सोचते नहीं है, है ना. मैं क्योंकि बड़ा दिल है उनका, माफ कर देते हैं. मतलब ये कैसे कर पाते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है ना. तो आप माफी करना शुरू करिए, आपका भी दिल बड़ा हो जाएगा, राइट. तो मैग्नानिमस, दैट्स द वर्ड. सो लेट्स क्विकली रिवाइज. कन्विवियल है ना, खुशनुमा. इंडिफैटिगेबल, न थकने वाला. इंजेनियस मतलब सरल और शुद्ध. परस्पिकेशियस भेदक, भेदक, शार्प एज रेजर. कुशाग्र बुद्धि, ओके. मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला. वर्साटाइल, ये वर्ड आपने शायद सुन रखा होगा, वर्साटाइल है ना, बहुमुखी, प्रतिभावान. ये लोग जो होते हैं, ये कुछ भी करते हैं तो मतलब ये सारे बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं. मतलब वर्साटाइल, जैसे देखते हैं, लेट्स सी, द रेंज ऑफ देयर एप्टीट्यूड इज ट्रूली फॉर्मिडेबल. मतलब ये इनके पास बहुत ही रेंज होती है कुछ कलाओं की, ना. इफ दे राइट, दे हैव प्रोफेशनल फैसिलिटी इन पोएट्री, फिक्शन, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, एसे. यू जस्ट मेंशन इट एंड दे हैव इट ऑल, दे हैव डन इट ऑल, राइट. तो अगर लेखक है तो ये पोएम भी लिखेगा, ये बायोग्राफी भी लिखेगा, फिक्शन भी लिखेगा, है ना, क्रिटिसिज्म भी लिखेगा, एसेज भी लिखेगा, कुछ भी लिख सकते हैं इन लोग. ये ऐसा नहीं है कि ये कवि है सिर्फ, है ना. ये कहानी भी उतने अच्छे से लिख सकते हैं, ये रियल इवेंट भी अच्छे से लिख सकते हैं. बायोग्राफी मतलब बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब टू राइट, है ना. बायोग्राफी मतलब जीवनी, खुद की, किसी की जीवनी लिखना. काइंड ऑफ ऑलराउंडर, वेरी गुड, यस. और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ने अपनी जीवनी लिखना, है ना. अगर ये म्यूजिशियन है तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बजा पाएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे वो भी ये लोग बजा पाएंगे, है ना. दे कैन डू एनीथिंग. एंड एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, है ना. एक कहावत है, जैसे कि एक हाथ बंदा रहता है, सब कुछ चीजें करता है बट किसी चीज में मास्टरी नहीं होती है. बट जो वर्साटाइल लोग होते हैं ऐसे नहीं होते, ये सारी चीजें करते हैं एंड दे आर मास्टर्स, ओके. सो ऑलराउंडर, जैसे स्वप्निल ने लिखा है. स्टोइकल, ओके. स्टोइकल ये लोग होते हैं काफी
समबुद्धि होते हैं। समबुद्धि मतलब ये ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाते। अगर इन इनके पास कोई दुख है तो कभी बताते नहीं करेंगे ये किसी को, ये अपने पास ही रखेंगे। और कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनको सांत्वना दें, है ना। एंड्यूरिंग पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग वंस फीलिंग और कंप्लेनिंग, ये कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि यार मुझे तो ऐसा हो गया, मुझे तो कम मार्क मिल गए, मेरा तो अच्छा पेपर गया था। दे विल नेवर डू इट, दे आर वेरी स्टोइक, काफी समबुद्धि होते हैं इन लोग। दे नेवर कंप्लेन, ओके, नेवर आस्क फॉर सिंपथी, नेवर इल टू सॉरो। किसी ने अगर दिखा भी दिया इनको, कुछ दुख दिखा दिया, तो कभी इमोशंस नहीं दिखाते इनको, है ना। नेवर विंस एट पेन, कभी कभी किसी को घास नहीं डालते हैं, पेन को घास नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन काइंड, है ना। हम लोग तो दिखा देते हैं तुरंत कि यार अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खुशी हो रही है, गम हो रहा है, ये कभी कुछ दिखाते नहीं है, ये सब अंदर ही चलता रहता है इनके। ओके, दे आर स्टोइकल। ओके, इंट्रिपिड, निर्भय, साहसी, धीट, ये भी लोग देखे होंगे आपने, है ना। ऐसे लोग होते हैं, वो कभी किसी चीज से डरते नहीं है। उनको बोल दिया कि ठीक है आज रात में कहीं जाके आ जाओ, तो बोलेंगे हाँ ठीक है चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देर इज एज द हेकनेड, हेकनेड मतलब हेकनेड मतलब घिसा पिटा, साधारण मामूली फ्रेज हैज इट, एक एक फ्रेज है इंग्लिश में, कवर्डली बोन इन देयर बॉडीज। कवर्डली मतलब एक कायरतापूर्ण बोन, मतलब इनके ऐसे बोलते हैं ना, इनके खून में ही नहीं है कायरता, इनके खून में ही नहीं है, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि दे हैव फनी बोन, दे हैव कवर्डली बोन, मतलब उनके बॉडी में कुछ है, मतलब दे आर फनी, नेचुरली फनी, दे आर कवर्डली मतलब कायर है, ऐसा है ना। बट इनके जो इंट्रिपिड लोग होते हैं, इनके उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं होता है। दे आर ऑडेशियस, साहसी होते हैं, है ना। डॉन्टलेस, निडर, बेबाक, एंड कंटेम्पच्युअस ऑफ डेंजर एंड हार्डशिप, वो हंसते हैं ये मतलब जो डेंजर है उस पे हंसते हैं, या फिर हार्डशिप होता है अगर उस पे भी हंसते हैं, मतलब दे आर तिरस्कार करते हैं उसका, है ना। उसको उसको कोई ये नहीं रहता, महत्व नहीं देते हैं उसको कुछ भी, है ना। दे आर कॉल्ड एस इंट्रिपिड। सिंटिलिएटिंग, सिंटिलिएटिंग मतलब किरने विकिरण करना, ये काफी शार्प होते हैं, है ना। दे आर विटी, क्लेवर, डिलाइटफुल, जैसे कि किरने विकिरण कर रहे हो, है ना। चमकदार एकदम, ऐसे भी लोग होते हैं। सो क्लेवर, डिलाइटफुल, नेचुरली, एंड दे आर ब्रिलियंट एंड एंटरटेनिंग कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब बातें ऐसे करते हैं कि सब लोग उसके आजू बाजू बैठे रहते हैं, है ना। सो दे आर कॉल्ड एज सिंटिलेटिंग। ओके, और लास्ट वर्ड है अर्बेन। अर्बेन, सुशब, 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 नहीं बोल पा रहा हूं, शीलवान, सभ्य, सभ्य, सुसभ्य। ओके, शीलवान ना, ये क्या होते हैं, दे आर कल्टिवेटेड, पॉइज्ड, टैक्टफुल, सोशली सो एक्सपीरियंस, सोफिस्टिकेटेड एंड कर्टियस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, मतलब कल्टिवेटेड। इनको रेज ही ऐसा किया जाता है कि ये काफी काफी क्या कहते हैं उसको, पॉइज्ड, शांत रहते हैं, ठहराव रहता है इनमें। जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ अलग इंसान है ये, है ना। दे आर होम इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के साथ बिठा दीजिए, दे आर एट होम, उनको कुछ अलग नहीं लगता है, क्योंकि दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, है ना। यू कैन नॉट हेल्प एडमायरिंग देयर स्मूथनेस एंड सेल्फ अश्योरेंस, क्योंकि इनमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि इनको किधर भी बिठा दिया जाए तो दे आर एट होम, एकदम आराम से उन लोग
निभा पाते हैं, शीलवान होते हैं, सुसभ्य होता है, तो इनको कोई डर नहीं होता है, ये आराम से अपना एडजस्ट हो जाते हैं किधर भी, दे आर कॉल्ड एस अर्बेन। तो अर्बेन सिंटिलेटिंग, ओके, इंट्रिपेड निर्भय, स्टॉइकल मतलब समबुद्धि, वर्साटाइल मतलब ऑलराउंडर, ओके, बहुमुखी प्रतिभावान, मैग्नानिमस उदार महानुभाव, परस्पिकेशियस मतलब वेरी शार्प एज रेजर, है ना, भेदक, इंजेनियस सरल शुद्ध, इंडिफैटिगेबल न थकने वाला, एंड कॉन्विवियल मतलब खुशनुमा। ऑलराइट, तो अभी चलेंगे सेशन 33 पर। ये क्या करना है ना, आपको जो किताब है उस पे जो भी एक्सरसाइजेस है पीछे जाके देखना है, चैलेंज योरसेल्फ, है ना, इतना अच्छा तो पढ़ रहे हो आप, तो डेफिनेटली गो एंड चैलेंज योरसेल्फ एंड सॉल्व दोस, है ना, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में नहीं आएगा, दसवीं बार में आएगा, तो करते रहिए उसको, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका रूट्स देखते हैं, कहां से आए ये वर्ड्स, है ना। द लैटिन वर्ड विवो इज टू लिव मतलब जीना, विवो मतलब जीना, एंड वीटा, वीटा मतलब लाइफ, द नाउन वीटा मतलब लाइफ, तो इससे काफी सारे वर्ड्स आए हैं, दे आर सोर्स ऑफ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। कॉन्विवियल, कॉन्विवियल मतलब आनंदमय, कॉन मतलब टुगेदर, विया मतलब टू लिव, है ना, मतलब लिटरली लिविंग टुगेदर, तो हम लोग देखेंगे ये कैसे आए हैं वर्ड्स। कॉन्विवियल मतलब आनंद, आनंदमय, जिसको दूसरे के साथ रहना पसंद है। अगर एटमोस्फियर की बात करते हैं या इवेंट की बात करते हैं तो फ्रेंडली, लाइवली, एंजॉयबल, है ना, जहां पर आप जाना पसंद करेंगे, अच्छा कॉन्विवियल कॉकटेल पार्टी, इनवाइटिंग, फ्रेंडली, अच्छे लोग हैं वहां पे जिसके साथ आप बैठ जाते हैं, बैठ पाते, काफी लाइवली है, काफी लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंजॉयबल है ना, कॉन्विवियल। ऑफ अ पर्सन, अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो चेयरफुल, फ्रेंडली, जो भी आप, है ना, हसमुख है, अच्छा दोस्ताना है, हंसता खेलता है, राइट। शी वॉज रिलैक्स्ड एंड कॉन्विवियल, ऐसे यूज करेंगे हम लोग, है ना, विशेषण। तो कैसे आया है वर्ड, कॉन्विवो इज अ लैटिन वर्ड, ना लैटिन से आया है ये वर्ड, है ना, ये दोनों जो है वर्ब और ये नाउन है, ये लैटिन से आया हुआ है, विवो मतलब टू लिव एंड विटा मतलब लाइफ, तो कॉन्विवो इज अ लैटिन वर्ब टू लिव टूगेदर मतलब साथ रहना। फ्रॉम लैटिन, फ्रॉम दिस इन लैटिन वॉज फॉर्म अ नाउन कॉन्विवियम, अच्छा, तो ये भी कॉन्विवियम भी लैटिन ही वर्ड है, सो डोंट गेट इंप्रेशन, विल कम बैक टू इंग्लिश, विच मीन्ट फीस्ट, कॉन्विवियम मतलब फीस्ट और बैंकवेट मतलब खाने का दावत, है ना, बैंकवेट मतलब खूब सारा खाना होना वहां पर, फीस्ट, ओके। फ्रॉम कॉन्विवियम वी गेट इंग्लिश वर्ड कॉन्विवियल, है ना, कॉन्विवियम मतलब फीस्ट, बैंकवेट, तो जो इंग्लिश वर्ड है कॉन्विवियल, एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू अटेंड फीस्ट एंड बैंकवेट, एक लोग होते हैं जो, जिनको एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनको खाना वाना बैठ लिए लोगों के साथ, है ना, पार्टी कर लिए, सो जोवियल, गुड फेलोशिप कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज गैदरिंग, इनको अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना और मिलना। देन विवेशियस, ओके, कॉन्विवियल मतलब आनंदमय, तो ये लोगों को भी बोला जा सकता है, इवेंट को भी बोला जा सकता है ना। विवेशियस मतलब अगेन, विवा मतलब लाइफ, है ना, विवा टू लिव और लाइफ, पूरा जिसमें जिंदगी हो, है ना, जिंदा दिली, फुर्तीला, ग्लीफुल, स्पोर्टफुल, ब्लिथ, मेरी, ब्लिथसम, कैंटी, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ
फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, मतलब उनको ऐसे लगता है कि हम लोग जिंदा है, इसी में खुशी है. एनिमेटेड, वेरी एनिमेटेड, पेपी, विवेशियस पर्सनालिटी, विवेशियस पर्सनालिटी ऐसे बोलेंगे, है ना. नाउन क्या है इसका? विवेसिटी, विवेशियस. किससे आया है? विवो, टू लिव, है ना. देन विविड, विविड भी वर्ड सुना होगा आपने. ज्वलन, सुपष्ट, सुस्पष्ट. सो प्रोसेसिंग, पजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, मतलब विविड कलर क्या होता है? खूब सारे कलर्स होते हैं एंड काफी अच्छे दिखने में होते हैं. विविड कलर, विविड मेमोरी, काफी आपको याद रह रहा है, एक एक चीज याद रह रही है, विविड मेमोरी बोलेंगे उसको, है ना. विविड पर्सनालिटी, विविड पर्सनालिटी मतलब काफी काफी सारे फैसेट्स है वो बंदे के अंदर, है ना. सो फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, स्ट्रॉन्ग, शार्प, विविड इमेजिनेशन, है ना. आप कुछ इमेजिन, कुछ लोग होते हैं जो काफी अच्छा इमेजिन कर लेते हैं, है ना. अगेन दीज आर द फैसिलिटी फैकल्टीज दैट यू कैन डेवलप. ऐसा नहीं है कि ये बचपन से आते हैं, यू कैन डेवलप इट. विविड कलर, विविड डिस्क्रिप्शन, अगर कोई आपको एक एक चीज बता रहा है कि एक बर्ड देखा, उसका एक पंख इस कलर का था, मतलब विविड डिस्क्रिप्शन, है ना. विविड बोलते हैं उसको. लाइवली, ज्वलंत, सुस्पष्ट. रिवाइव, अभी देखिए, वाइव मतलब वाइव और विटा मतलब लाइफ. री मतलब अगेन, रिवाइव करना, है ना, मतलब फिर से जीवित करना, किसी चीज को फिर से जीवित करना. ब्रिंग बैक टू लाइफ, उसको जिंदगी देना, है ना. जैसे कि कोई फैशन है ना, बेल बॉटम का फैशन अभी नहीं है, बट इफ सम एक्टर ब्रिंग्स दैट और पुट्स दैट एज अ ड्रेस, है ना, तो ही विल रिवाइव दैट फैशन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिवाइवल, फिर से जिंदा करना, रिवाइव. ओके, विविसेक्शन, सेक्ट आपको याद है, इंसेक्ट, है ना, मतलब कट. विविसेक्शन मतलब, विवि मतलब लाइफ, है ना, सेक्शन मतलब कट करना. तो ऑपरेटिंग ऑन अ लाइव एनिमल, जैसे बायोलॉजी में करते हैं, फ्रॉग्स पकड़ लेते हैं, उसको जिंदा काटते हैं, है ना, टू सी कि क्या हार्ट है, क्या है. जीवित अंग विच्छेदन, है ना. सेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ब टू कट, विविस सेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लाइव एनिमल टू डिस्कवर कॉजेस एंड क्यूर्स ऑफ डिसीज, है ना. हार्ट कैसे काम कर रहा है वो देखने के लिए, ये सारी चीजों के लिए. एंटी विविसेक्शनिस्ट, एंटी मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, विविसेक्शन मतलब लाइव एनिमल को काटना, है ना, टू स्टडी. तो एंटी विविसेक्शनिस्ट मतलब जो सोचते हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि ये गलत बात है, किसी एनिमल को ही सही जिंदा काटना ये गलत बात है. सो ऑब्जेक्ट टू द प्रोसीजर, दो many of our most important medical discoveries were made through vivisection. ये इसने हमको काफी काफी मदद की है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग काफी चीजों को देख पाए हैं कि कैसा रिसर्च कर पाए हैं कि कैसा रोग होता है, कैसे उसका कॉज होता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है ना. vivisection, viviparous, viviparous. Okay, Paris, the combination of root in both this adjective is Latin. Perio, मतलब to give birth, किसी को जन्म देना. Paris, parents also comes from the same root, है ना, किसी को जन्म देना. तो parents बोलते हैं हम लोग, है ना, माता पिता को parents बोलते हैं. तो वो भी word आया है perio से. So viviparous मतलब जीवित बच्चा जनने वाली, है ना. जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो डायरेक्टली एज अ ह्यूमन बींग्स बाहर आते हैं, है ना. जब जन्म होता है तो जिंदा बच्चे होते हैं, है ना, एग्स नहीं होता है. तो जैसे बर्ड्स देते हैं तो दे गिव एग्स, फिर उसको इनक्यूबेट करते हैं और फिर उसको बच्चा पैदा होता है ना. सो बट विविपैरस मतलब जिंदा, जिंदा बच्चा
जन्म देते हैं इसमें, है ना। सो प्रोड्यूसिंग लाइव बेबीज, जीवित बच्चा जन्मने वाली, वीविपेरस। सो जितने भी जैसे गाय भैंस हो गए है ना, दे ऑल्सो गिव बर्थ टू लाइव एनिमल, ओके, तो उसको बोलेंगे वीविपेरस बिकॉज इट इज लाइव, विवि मतलब लाइफ, ओके, पैरस इज टू गिव बर्थ। सो प्रोड्यूसिंग लाइव बेबीज ह्यूमन बींग्स आर एंड मोस्ट अदर मैमल्स आर वीविपेरस। वीविपेरस इज कॉन्ट्रास्ट टू ओविपेरस। अभी ओविपेरस मतलब क्या होता है, अंडप्रसु, मतलब जो पहले अंडा देते हैं उसमें से बच्चे तैयार होते हैं। प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स, मोस्ट फिश फॉल एंड अदर लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर ओविपेरस, ओके। तो ये कहां से आया है, इन ओविपेरस द फर्स्ट टू सिलेबल डिराइव फ्रॉम द लैटिन ओवम, ओवम मतलब एग, ओके, ये बायोलॉजी में भी सीखा होगा आपने। नाउ ओवम मतलब एग हो गया है ना, तो उसी से वर्ड आया है ओवल और ओवॉइड, मतलब अंडाकार शेप का, ओके, एग शेप, ओवल, ओके, ओवल शेप बोलते हैं उसको, है ना। ओव्यूलेट, ओव्यूलेट मतलब ये अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है थोड़ी सी तो उसमें होता है टू रिलीज एन एग फ्रॉम ओवरी, है ना। जब इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अभी देखते हैं, है ना। ओवम इज अ फीमेल जर्म सेल, ओके, विच फर्टिलाइज बाय अ स्पर्म डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, है ना, देन इनटू फिटस। जैसे ओवम होता है जब स्पर्म मिलता है तो दे डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो देन गेट्स बिगर एंड देन इट डेवलप्स इनटू फिटस एंड आफ्टर फाइनली आफ्टर 280 डेज अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न एज अ इन्फेंट, है ना। तो ओवम इज अ फीमेल एग, ओके, स्पर्म इज अ मेल एग, ओके। आई मीन बिलीव इट और नॉट, लव वर्ड ऑल्सो हैज कम फ्रॉम ओवम। अभी कैसे आया है, इट वॉज अ ट्रिकी स्टोरी सो आई डिडंट एड इट हियर, ओके, बट अगर आपको याद ही रखना है तो लव ऑल्सो केम फ्रॉम ओवम, ओवम मतलब एग, ओके। लैटिन वाइटा लाइफ, लैटिन वाइटा मतलब लाइफ, इज ओरिजिन ऑफ लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। वाइटल, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, जीवनप्रद, एसेंशियल टू लाइफ, ओके। वाइटल कंपोनेंट, है ना, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण कंपोनेंट बोलेंगे इसको, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंट, वाइटल मैटर, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आप क्या बोलेंगे, वाइटल मैटर। ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ एंड विगर, उसके पास अगर कोई चीज वाइटल है तो उसके पास काफी स्ट्रेंथ है, काफी लाइफ है, है ना। विटा से आया है, विटा से विटामिन, आप लोगों ने देखा होगा विटामिन, है ना, विटामिन मतलब जो आपको महत्वपूर्ण चीजें देता है, जो आपके बॉडी को ग्रोथ होने के लिए लगता है। रिवाइटलाइज, देखा था क्या हम लोगों ने, रिवाइव देखा था, है ना, मतलब फिर से जीवित करना। रिवाइटलाइज मतलब आपको पुनर्जीवित करता है, रिवाइटलाइज। अगर आप कुछ लेते हैं, कुछ यू ड्रिंक, आप बहुत प्यासे हैं एंड आप पानी पीते हैं, अच्छा ठंडा पानी पीते हैं, देन इट काइंड ऑफ रिवाइटलाइजेस यू, ओके। इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीफिक्स री अगेन एंड रूट विटा, ओके, पुनर्जीवित करते हैं, ओके, रिवाइव, रिवाइटलाइज। अगर वाइटलाइज के पहले ही डी लगा दिया जाए, डी इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब किसी चीज से निकाल देना, है ना, सो डी वाइटलाइज मतलब बेजान कर देना, अशक्त कर देना, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ एंड विगर। जैसे रिवाइटलाइज में उसमें जान डालते हैं, डी वाइटलाइज में उससे जान निकालते हैं, डिप्राइव, उससे शक्ति निकाल देते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज गिवन एनॉर्मस पावर टू ह्यूमैनिटी,
बट एट द कॉस्ट ऑफ डिवाइटलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल. जैसे हम लोगों को गाड़ी देती, हम लोग पहले अगर साइकिल से जाते थे तो काफी एनर्जी लगती थी, पैदल जाते थे तो काफी एनर्जी लगती थी, है ना. तो टेक्नोलॉजी ने हमको क्या दे दिया, कार दे दी, बाइक दे दी, तो हम लोग अभी उतना चलते नहीं है, फिरते नहीं है, तो वी आर वॉइड और थोड़ा सा डिवाइटलाइज हो गए. ओके, ऐसा ऐसा यूज कर सकते हैं. विटामिन, पोषक तत्व, अगेन विटा से, सॉरी विटामिन मतलब पोषक तत्व, खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, पुष्टिकरण, पुष्टिकर तत्व, है ना. विटामिन तो पढ़ा होगा आपने को. वन ऑफ द मेनी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऑन विच लाइफ डिपेंड्स. गुड आई साइट रिक्वायर्स विटामिन ए, फाउंड इन कैरेट्स, है ना. विटामिन ए होता है बी सी डी. डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से मिल जाता है विटामिन. ओके, तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. या फिर मिनरल अलग चीज होता है ना, विटामिन अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें. ओके हर्ष, सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ, सो आपको पता है इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज काफी लैंग्वेजेस से मिली हुई है ना, थोड़ा देखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अवर इंग्लिश वर्ड डायरेक्टली फ्रॉम लैटिन, वी वर्क थ्रू वन ऑफ द लैटिन डिराइव्ड और रोमन लैंग्वेजेस. अभी ये रोमन लैंग्वेजेस क्या, रोमांस लैंग्वेज क्या होती है ना, ये एक एरिया है यूरोप में, जैसे फ्रेंच, स्पैनिश, इटालियन, पोर्तुगीज, हम लोग अगर याद होगा आपको ये कंट्रीज काफी पास पास है, और रोमानियन थोड़ा सा साइड में है, बट फ्रेंच, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, ये काफी पास पास कंट्रीज है, तो इनकी लैंग्वेजेस में काफी इन्फ्लुएंस तो हो गई है ना. सो एज वी रिकॉल द रोमांस लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तुगीज एंड रोमानियन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वेर लार्ज, वेर ओरिजिनली डायलेक्ट ऑफ रोमन लैंग्वेज. एक रोमन लैंग्वेज थी इसीलिए उसको रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं, है ना. रोमांस से कोई मतलब नहीं इसका, रोमन रोमन लैंग्वेज से आए इसलिए उसको रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं, है ना. ये पांचों लैंग्वेजेस को, तो इससे काफी वर्ड्स आए हैं, है ना. इंग्लिश बाय द वे इज नॉट द रोमांस लैंग्वेज, इंग्लिश रोमांस लैंग्वेज नहीं है, इट इज कॉल्ड एज ट्यूटोनिक लैंग्वेज. ट्यूटोनिक लैंग्वेज, अवर टंग इज अ डेवलपमेंट ऑफ जर्मन डायलेक्ट इम्पोज्ड ऑन द नेटिव्स ऑफ ब्रिटिश बाय एंग्लस, सैक्सन एंड जू. तो ये जर्मन जर्मन और ब्रिटिश लोगों जब साथ में रहे वहां से आया हुआ लैंग्वेज है इंग्लिश, है ना. ट्यूटोनिक लैंग्वेज बोलते हैं. दो वी हैव टेकन ओवर इनटू इंग्लिश मोर देन 50% ऑफ लैटिन वोकैबुलरी. मतलब 50% ऑफ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज कम फ्रॉम लैटिन. ऑलमोस्ट 30% ऑफ 30% ऑफ द क्लासिकल ग्रीक वोकैबुलरी एज अ रूट, है ना. ग्रीक रूट काफी आए हैं, ग्रुप रूट से काफी वर्ड्स बने हैं, प्रीफिक्स, रूट्स, है ना. और बेसिक लैंग्वेज इज नेवरदलेस जर्मन, जर्मन से आई है मोस्टली इंग्लिश. मतलब तब वहां से लोगों ने लेना शुरू कर दिया. द रूट और बेसिक लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज इज जर्मन. द फ्रेंच यूजिंग द सेम लैटिन रूट विवो टू लिव फॉर्म टू एक्सप्रेसिव फ्रेजेस. काफी सारे फ्रेजेस फ्रेंच में है, है ना. इसमें कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी देखते हैं आज जो कॉमनली इंग्लिश में यूज होते हैं, है ना. और इफ यू से दोज यू कम अक्रॉस एज सोफेस्टिकेटेड. ओके, सो ये जो दे विव ऐसे, मतलब हम लोग अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ज्वा दे वीव, ज्वा दे वीव. ओके, ऐसे पढ़ना है इसको अगर आपको बहुत ही फ्रेंच साउंड करना है तो, है ना, बिकॉज दीज आर फ्रेंच वर्ड्स, है ना. सो आप इसको सुनिए, ज्वा दे वीव. सो इट लिटरली मीन्स,
आप देखेंगे इसको, जॉय, जॉय मतलब आनंद है ना, जॉय ऑफ लिविंग, व्यू मतलब टू लिव और लाइफ, जॉय ऑफ लिविंग. द फ्रेज डिस्क्राइब्स इमेंस डिलाइट इन बीइंग अलाइव. ये जो लोग होते हैं या फिर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जताता है कि आप कितना खुश होना चाहिए क्योंकि आप जिंदा हैं. आज के डेट में तो ये आपको और भी पता चल रहा होगा कि हम अगर जिंदा है अपने आप में ही ये कितनी बड़ी बात है ना. वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड एंड वी आर नेवर थैंकफुल फॉर आवर लाइव्स. सो देखिए कैसा लेसन मिल सकता है अपने को कि हाउ डू वी स्टे हैप्पी जस्ट बाय बीइंग अलाइव है ना. एंड एफर्वेसेंस स्किननेस फॉर ऑल डेली एक्टिविटीज. कोई भी चीज कर रहे हैं तो काफी उत्साह के साथ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक गिफ्ट है ना. सो उसको बोलेंगे जॉ द वीव. ओके, द नेक्स्ट वर्ड है बॉन विवांट. बॉन विवांट, ओके, बॉन विवांट इज अ पर्सन हु लिव्स लग्जरियसली. ये क्या करते हैं, मतलब काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू फूड, रिच फूड, गुड लीकर, एक्सपेंसिव थिएटर पार्टीज, ऑपराज है ना. ये काफी बड़े बड़े पार्टियों में जाएंगे, काफी हाई क्लास चीजें करते हैं. बॉन विवांट बोलेंगे उसको है ना. जैसे कौन है, इंडिया में कोई है ऐसा रहता है, विजय माल्या हुआ करता था है ना. He was born vivant. He used to live rich, है ना. वो दिखाने में हिचकिचाहट नहीं करता था, born vivant. Okay. दूसरा वर्ड भी आया गौरमैन. गौरमैन, okay. गौरमैन मतलब होता है who, गौरमैन, who चटोरा. Okay. So enjoys the food with sensual pleasure, gourmet. Okay, ये क्या करते हैं, इनको खाना बहुत पसंद होता है और इनके लिए वो काफी high होता है. The gourmets have high spots of the day at the time of breakfast, lunch, dinner, midnight supper. Okay, उनको खाने का जो time होता है उनके life में बहुत बड़ा चीज होता है. The word gourmet dies. The word has suffered degeneration in meaning, in signifies to stuff oneself like a pig. Gourmet dies. Gourmet एक अच्छा word हुआ था पहले, मतलब इसका it is still a good word. But अगर the verb देखा जाए उसका, gourmet dies मतलब mindlessly खाना है ना, ऐसे खाते जाना, मतलब सोचना नहीं कि कितना खा रहे हैं, कितना चाहिए है ना. It is a little bit of negative meaning लिया है इसने है ना. गवर्नमेंट सिग्निफाइज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम गौरमे. गौरमे मतलब जिसको इस, ये गवर्नमेंट एंड गौरमे दोनों को फूड में इंटरेस्ट है. हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड लिकर एज मच एज, बट जो गवर्नमेंट होता है, गौरमे को क्या होता है कि किसी अच्छी जगह खाना खिला दो खुश हो जाता है वो है ना. बट गवर्नमेंट थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा होता है ना. दे आर कनोशियर, फैस्टिडियस, हैज मोस्ट डिसर्निंग पैलेट फॉर डेलिकेट टेस्ट. तो इन लोगों का थोड़ा हटके होता है उनको, मतलब रियल डेलिकेसी, जैसे हमिंग बर्ड का टंग खा लिया, मतलब जीप खा ली, तो सच अब्सर्डिटीज, कुछ भी, मतलब कुछ अलग से खाना है, ये सब चीजें इनको ज्यादा पसंद आती है. गौरमे जो होता है उसको नॉर्मल फूड अच्छा पसंद आता है, खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, राइट. तो इसका एक थोड़ा सा निगेटिव वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं ग्लटन. ग्लटन मतलब भुक्कड़, और ये क्या होता है, काफी अपमानजनक वर्ड है ग्लटन. ये लोग भी ऐसे होते हैं जैसे गौरमेंडाइज करते हैं, ये दे डू गौरमेंडाइज है ना, मतलब खाना खाते रहते हैं. दे डोंट थिंक कि कितना खाना खाया है, कितना खाना खाना चाहिए, मतलब वजन हो रखा है 150 किलो फिर भी खाने से नहीं रुक रहे,
ना, दे आर ग्लटन, इट इज एक पाप माना जाता है इसको, है ना, ग्लटन, ग्लटनरी, ग्लटन बोलते हैं उसको. ओके, द पर्सन हु ईट्स वोरेशियसली, वोरेशियस भी एक ये है, क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव, है ना, विशेषण, वोरेशियस रीडर बोलते हैं, मतलब वो अच्छा अच्छा माना जाता है, वोरेशियस रीडर मतलब खूब ज्यादा पढ़ता है, वोरेशियस ईटर नॉट सो मच, है ना, थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, जो खूब ज्यादा खा रहा है, विथ नो डिसर्नमेंट वॉट एवर, बट मियरली फॉर द पर्पज ऑफ स्टफिंग हिमसेल्फ, है ना, ऑब्वियसली हाईली डेरोगेटरी टर्म. ओके, और कुछ फ्रेंच से ही और तीन वर्ड्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लोग यूज करते हैं, है ना, बोनापटाइट, बोनापटाइट मतलब एंजॉय योर मील, है ना, बॉन वॉयज मतलब एंजॉय योर जर्नी, एंड बोंजूर, बोंजूर मतलब होता है गुड डे. ओके, ये सारे वर्ड्स बॉन से स्टार्ट होता है, मतलब हैव अ गुड वन, बोनापटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, है ना, इंग्लिश में जो वर्ड होता है बोनापटाइट, मतलब, एंड बोनापटाइट मतलब एंजॉय योर मील, जैसे कि आपको भूख लगी है, एंड बोन वॉयज, वॉयज मतलब अ जर्नी, आप अगर थोड़ा सोफेस्टिकेटेड साउंड करना है, तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो रादर देन हैव अ नाइस जर्नी आप बोलते हैं बोन वॉयज. ओके, एंड बोंजूर, इट्स अ प्योरली फ्रेंच वर्ड, अगर आपको नमस्ते जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे इन लोग बोलते हैं बोंजूर. ओके, तो दोस वेर द वर्ड्स, आई होप यू गॉट सम न्यू थिंग टू लर्न एंड गेन सम एनर्जी बाय लर्निंग न्यू थिंग, आई डेफिनेटली डिड. ओके, कोई सवाल है तो आई कैन टेक सम क्वेश्चंस. Any questions? नहीं है? Okay. That's good, guys. Again, thank you so much for coming. And let's be thankful to... Okay. Ovulate. अगर आपने लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, है ना? Ovulate, there is a period in the month where female ovulate, मतलब egg release करते हैं, है ना? एग रिलीज करते हैं, एंड देन इफ देयर हैपेंस इंटरकोर्स और इफ द स्पर्म इज प्रोवाइडेड, दैट्स व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ बेबी कैन बी कंसीव्ड. सो दैट्स द प्रोसेस. ओव्यूलेट मतलब एक एक फीमेल एग, किसी भी प्राणी में अगर यू वांट टू रिप्रोड्यूस, यू हैव टू हैव फीमेल एग एंड मेल एग, है ना. तो अगर, और ऐसा नहीं होता है कि ये एक पड़े हुए होते हैं, दे हैव टू बी रिलीज, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेट, मतलब रिलीज करना, एक रिलीज करना. जॉय द वेव, इसका मतलब ये होता है कि, ओके लेट मी, जॉय ऑफ लिविंग, जिंदा मतलब हम लोग जिंदा है उसको एंजॉय कर रहे हैं, जॉय द वीव, है ना, उसको बोलते हैं लिटरली जॉय ऑफ लिविंग इज फ्रेश डिस्क्राइब्ड एन इमेंस डिलाइट इन बीइंग अलाइव. अगर आप जिंदा है उसी में आप अगर खुशी मना रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं, तो उसको बोल देंगे जॉय द वीव. ओके, जॉय द वीव, सॉरी, जॉय द वीव, जॉय, देखिए कैसे है ये वर्ड, फ्रेंच वर्ड है ना, तो फर्स्ट वर्ड जो है जॉय, ओके, दैट मींस जेओआई, जॉय मतलब खुशी, है ना, किसी चीज का आनंद, एंड विव मतलब लाइफ, तो जिंदा होने की खुशी. ओके,
गुड क्वेश्चंस गाइस, आई लाइक व्हेन यू गाइस इंटरैक्ट. मुझे लगता है क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम होता है ना, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे हो रहा है, किसी को समझ रहा है. बट सिंस यू गाइस आर हियर फॉर लाइक लास्ट 50 मिनट्स और ऑड, तो लगता है कि ठीक है, समझ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, 1% 2%. सो थैंक यू गाइज, आई रियली अप्रिशिएट यू ज्वाइनिंग. डिफरेंस बिटवीन लिटरली एंड करंटली, स्पेलिंग ठीक नहीं लग रहा है मुझे हर्ष. इफ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क दैट वुड बी गुड, नहीं तो ईमेल कर दो, आई विल इंक्लूड दैट इन नेक्स्ट सेशन. एंड जस्ट सो यू गाइज नो, मई एंड में आई विल नॉट बी अवेलेबल लास्ट वीक, है ना, जो 28th का जो सेशन रहेगा, 28th, ओके, आई विल नॉट बी अवेलेबल. आई डोंट नो हर्ष इफ यू आर राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, बट सेंड दैट इन ईमेल, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दिस वर्ड्स ऑफ, ओके, तो सबको सबको भी फायदा हो जाएगा. आस्क डॉट वोकैब में है, उसमें भेज देना है, ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग. गुड सीइंग यू गाइस हियर अगेन, एंड गुड लक, आई हैव गुड स्टडी, गुड, ठीक है, चलो, ओके, बाय.